गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक बंदे ने बोला था भाई आप काइन मास्टर में कैसे एडिट करते हो फ्री फायर एडिट्स, तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको काइन मास्टर पर जाना है, इंपोर्ट कर लेनी अपनी वीडियो, तो उसके बाद आपको देख लेना है अपनी वीडियो। वीडियो पर आपको जहाँ पर ग्लो मारना है, जो पहले मैं यहाँ से ना यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इफ़ेक्ट पे जाओ, ठीक है। इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद ब्लेज पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ब्लेज पे क्लिक करो बस। और यहाँ पे हमको उसको फुल स्क्रीन कर देना है, या तो आप दूसरा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मैं तो फुल स्क्रीन करता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पूरा फिला देना है, ठीक है। मैं फिला देता हूँ आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैला देता हूँ, आराम से हो गया। एंड उसके बाद मैं जा रहा हूँ, ओके तो हो रहा है, लोडिंग हो रही है। अभी लोडिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से हो जाए लोडिंग। हाँ हो चुकी है। अभी हमको क्या करना है, इस बेगल सेटिंग पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको उसको रेस को ना 10 कर देना है। अगर आपको रेनबो करना है, रेनबो बनाना है एडिट को, तो हमको यहाँ से इसको 10 कर देना है, अमाउंट को भी 10 कर देना है। गाइस आगे जाके अपन इसको ठीक कर लेंगे, अभी तो ऐसे ही दिख रहा है। अब इसको अपन को क्या करना है, 3 पे सेट कर देना है, ठीक है। 3 पे सेट करोगे तो कुछ ऐसा ग्लो आ जाएगा। एंड आपको ये मोड को आपको 5 पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्पीड कलर को 0 कर देना है। अगर आपके स्पीड कलर को कुछ भी रख दोगे ना, उसके बाद देखो वीडियो लगाने के बाद दिखाता हूँ आपको। ये देखो जब मैं वीडियो लगा रहा हूँ, बंदे के एक्शन के साथ साथ देखो चेंज हो रहा है कलर, तो ये हमको चाहिए नहीं। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, यहाँ पे आपको कलर स्पीड कलर को 0 कर देना है एंड एंगल को आपको 0 कर देना है, ठीक है, पूरा 0 कर देना है। एंड एंगल स्पीड को भी 0 कर देना है। एंड इसको जो ट्विरल है इसको आपको 50 कर देना है, ब्लर को भी 100% करना है, ब्राइटनेस को भी 100 कर देना है। 100 करने के बाद आप देख सकते हो हमारा थोड़ा सा ग्लो आ चुका है, आप देख सकते हो। ग्लो होने के बाद हमारा यहाँ पे जैसे आपको ऐसे शेक वाला भी बनाना है, शेक बनाने के लिए आपको यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करके शेक पे कर देना है। सबसे अच्छा शेक है ये 8 मिनट का। एंड इसको पूरा फिला लेना है, ठीक है। उसके बाद ना ऐसे हो जाएगा, उसके बाद आप ये कर लोगे। उसके बाद आपको अपनी वीडियो पे क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को आपको 30 रख लेना है, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे। एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इसको 39 कर देना है, ठीक है, 38 या 39 कर लेना है। इसको आपको -40 रखना है, ठीक है। एंड इसको आपको 30 रखना है, इसमें आपको 30 या 40 रखने होगा। एंड यहाँ पे आपको इसको भी 40 रख देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 0 ही रहने देना है। एंड उसके बाद आपका अगर आपको चाहिए फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, फिल्टर। एंड वहाँ पे वॉर्म में जाके ये बहुत अच्छा फिल्टर होता है, यहाँ पे जाके आप लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा अभी। डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ठीक है, मैं उसको एडिट करके डाल दूंगा। एंड गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इट गिव्स इट अ थम्स अप एंड लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस।